बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह पाक के फजल व करम से खैरियत से हूँ। तो मैं सोया हुआ अपने बरसीन के खेत में, और अभी लगाते हैं अपने डीजल इंजन को गेड़ा और उसे करते हैं स्टार्ट और अपने खेत को पानी लगाते हैं। और सर्दियों में एक काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो मुश्किल काम आज मैं 3 से 4 दिनों बाद करने जा रहा हूँ। इस केन में हम डीजल डालकर इंजन को सप्लाई करते हैं, उसे इसके साथ बांधते हैं केन को। और ये लुए वाली ये नाली थी और ये अब टूट चुकी है, इसे बनाते हैं नई जगह पे और दोबारा स्टार्ट करते हैं ट्यूब को। और बोर ने हमारी ने पानी भी नहीं उठाया, इसमें पानी दोबारा से ऊपर से डालना पड़ेगा और उसके बाद इसे स्टार्ट करेंगे। डीजल को अपनी जगह पे महफूज रख दिया है, अब पानी डालते हैं बोर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस 12 लोटे इसमें डाल दिए, अभी करते हैं स्टार्ट। ले जाते हैं इसे और बोर अपनी का इसको जीवा का। इसका गोश्त सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और खाते हैं और इंजॉय करते हैं। यस। सर्दी का होता है यार। नहीं 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 अब हाँ हाँ यार मैंने 3 तक गिनना है, आपने एक जीवा कर देना है। 1, 2, 3। क्यों क्यों क्यों? असल में ये बता के मुस्तफा की तो मुस्तफा रोने लगी है, अब जीवा इसे नहीं करते, अब इसे छोड़ देते हैं वरना मुस्तफा रोने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खेत अपना भर चुका है और ट्यूबवेल को कर दिया हमने बंद। और मुस्तफ़ा के साथ आज किया था बतख को ज़िबा करने वाला प्रैंक, और मुस्तफ़ा रोने लग गया और उस प्रैंक को कैंसिल कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसी का साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।